हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स गुरुजी। आज हम डिस्कस करेंगे पशुपति कॉटस्पिन कंपनी के बारे में। ये कंपनी का हेडक्वार्टर्स है अहमदाबाद गुजरात में, और ये कंपनी देखिए बिजनेस करता है, प्रोसेसिंग करता है रॉ कॉटन का, और ये इसके लिए प्रोसेस यूज करता है गिनिंग ऑफ कॉटन, स्पिनिंग ऑफ कॉटन यान और डिलिनिएटिंग प्रोसेस। और ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये है मेहसाणा गुजरात में, और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये फुल्ली ऑटोमेटेड मशीनरी से इक्विप्ड है। और ये कंपनी का राइट नाउ जो इंस्टॉल जो कैपेसिटी है वो है अराउंड 25,536 स्पिंडल्स का और 56 गिनिंग यूनिट्स का। और कंपनी का जो प्रोडक्शन है, इनका जो पीक सीजन में ये प्रोडक्शन कर सकता है 500 कॉटन बेल्स पर डे। और ये कंपनी देखिए मैन्युफैक्चर करता है कॉटन बेल्स, कॉटन यान, ब्लैक कॉटन सीड्स का। और ये कंपनी राइट नाउ एक्सपेंशन फेस में है, जिसके लिए कंपनी इंस्टॉल करना चाहता है अराउंड 11,424 स्पिंडल्स और अराउंड 56 डबल रोलर गिनिंग यूनिट्स के लिए। और देखते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देखिए कंपनी का जो गिनिंग दो डिवीजन है, एक तो है गिनिंग डिवीजन और दूसरा है स्पिनिंग डिवीजन। और गिनिंग डिवीजन का राइट नाउ जो इंस्टॉल कैपेसिटी अराउंड 20,000 मेट्रिक टन है, और इनका जो एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो अराउंड 9,000 मेट्रिक टन है यानी, और इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 45% है। और आगे जाके कंपनी का ऐसा प्लान है कि देखिए 40,000 मेट्रिक टन का इनका इंस्टॉल कैपेसिटी होगा, और इनका जो एक्चुअल प्रोडक्शन देखिए ये बढ़ने वाला है अराउंड 13,000, 19,000, 22,000 तक इनका जाने वाला प्रोडक्शन। और देखिए इनका जो स्पिनिंग डिवीजन है इसका भी राइट नाउ जो इंस्टॉल कैपेसिटी अराउंड 5,182 मेट्रिक टन पर एनम है, और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 94.5% है। और आगे जाके इनका जो एक्सपेंशन होगा और इनका जो ये इंस्टॉल कैपेसिटी होने वाला अराउंड 7,825 मेट्रिक टन, और इनका जो एक्चुअल प्रोडक्शन ये होगा 6,500 मेट्रिक टन तक जाने वाला है। और ये कंपनी का देखिए फंड यूटिलाइजेशन को जो पैसा मिलेगा उसमें से अराउंड 16.5 करोड़ जो रुपीस है ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होगा, और अराउंड 4 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस के लिए। अब देखते हैं प्रमोटर स्टेक प्री एंड पोस्ट इश्यू। कंपनी के जो प्रमोटर है जगदीश भाई, उनका राइट नाउ अराउंड 23% स्टेक है, और वो आफ्टर द इशू हो जाएगा अराउंड 16.77। तुषार भाई का अराउंड 3% हो जाएगा 2%, और जयंतीलाल भाई का 7% से हो जाएगा 5%। और ये सारे जो प्रमोटर और प्रमोटर एंटिटी ग्रुप्स है ये टोटल राइट नाउ ओन करते हैं अराउंड 89%, और आफ्टर द इशू हो जाएगा अराउंड 64.9%। और ये कंपनी के तीनों जो प्रमोटर है इनका तीनों का जो एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट है ये 10 रुपीज पर शेयर है। टॉप 10 शेयर होल्डर्स, देखिए ये कंपनी के सारे टॉप 10 शेयर होल्डर्स है जो टोटल मिला के ओन करते हैं 100% स्टेक। और ये कंपनी के पीयर ग्रुप में देखिए बन्नारी अमान स्पिनिंग मिल्स, गिनी फिलामेंट्स, नागरिका एक्सपोर्ट्स, पीबीएम पॉलिटेक्स, पाइनियर एम्ब्रॉयड्रीज, सूर्यलता स्पिनिंग मिल्स, ये सारे कंपनियां हैं। और ये करंटली सारे कंपनियां देखिए ट्रेड कर रहे हैं अराउंड 12, 22, 27, 46 के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। और ये कंपनी के लिए देखिए इनका पॉजिटिव क्या है, ये कंपनी के लिए, ये कंपनी के जो प्रमोटर है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है, उनके पास मोर देन 2 डिकेट्स का 20 सालों से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये वेल एस्टेब्लिश्ड है, फुल्ली ऑटोमेटेड है भी। और दूसरी बात ये है कि राइट नाउ जो गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, और ये कंपनी का ऐसा विचार है कि आगे जाके और भी अलग अलग स्टेट्स में इनका जो एंट्री होने वाला है, और ये सेक्टर का बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है जो ये बिजनेस में है, जो स्पिनिंग बिजनेस में है। अब देखते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। देखिए कंपनी का जो FY14 में जो रेवेन्यू अराउंड 75 करोड़ था और नेट प्रॉफिट अराउंड 32 लाख रुपए, और FY15 में 265 करोड़, FY16 में 262 करोड़, और FY17 में अराउंड 279 करोड़, यानी कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है। और नेट प्रॉफिट वाइज देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये बहुत ही बड़ा है अराउंड 8 FY15 में अराउंड 8 करोड़, FY16 में अराउंड 8.4 करोड़, और FY17 में अराउंड 13.48 करोड़। और कंपनी का जो EPS है FY17 के सबसे बैठता है अराउंड 11.41 का EPS बैठता है, और पी रेशियो अराउंड 6.57, और इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ अराउंड 22.71% है। और अब देखते हैं IPO के बारे में। देखिए IPO ओपन हो रहा है 28 अगस्त को, क्लोज होगा 31 अगस्त को, और इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर, इश्यू प्राइस है 75 रुपीज पर शेयर, और मिनिमम लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेगा 1600 शेयर। और ये इश्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है अराउंड 27.07%, और इसका जो इश्यू साइज है अराउंड 20.88 करोड़ का इश्यू साइज है, मार्केट कैप अराउंड 77 करोड़ का है, और ये लिस्ट करेगा NSE के SME प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।